नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, अपने धोरण आठ में पाठ नौ यानी कि ममता वालो पाठ चालतो हतो, एमां आपणे त्रण वीडियो में घणुं बधुं भणी चूक्या। तो आजे आपणे चौथा वीडियो में जोईशुं के ममताए कई रीते पेला पथिकने आसरो आपे छे अने एनो अतिथि धर्म निभावे छे अने पोते अलग एक खंडेरमां जईने रोकाय छे। अने पछी एवुं बने छे के सवार पड़े छे त्यारे ममता उठीने एक खंडेरनी जे दीवार होय छे एमां जे तिरार पड़ेली होय छे तिरारमांथी जुए छे, त्यारे जोयुं के प्रांत मतलब के विस्तारनी अंदर केटला बधा अश्वारोहीओ अश्वारोहीओ मतलब के घोड़ा पर बैठेला सवारीओ केटला लोको आव्या हता सैनिकों, अने ए जोईने ममता गभराई जाय छे के आ व्यक्तिने शोधवा माटे जे आटला बधा सैनिकों आव्या छे એટલે ખોટી ચિંતા કરે છે કે મેં આ વ્યક્તિને ખોટો આશરો આપ્યો છે, કેમ કે એ વ્યક્તિએ પણ મમતા હજુ નાની ઉંમરની જ હતી, યંગ જ હતી, એટલે એને ચિંતા થતી હતી કે ક્યાંક આ બધા સૈનિકો મને પણ શોધીને ઉઠાવીને લઈ જશે તો આ વ્યક્તિની સાથે, એટલે મમતાને બહુ ચિંતા થતી હોય છે કે મેં આ વ્યક્તિને ખોટો આશરો આપ્યો છે, મેં મોટી ભૂલ કરી છે। એટલામાં જ ઝૂંપડીમાંથી પેલો પથિક બહાર નીકળે છે અને બૂમ મારે છે કે મિર્જા હું અહીં છું, એટલે કે કોઈ મોટો માણસ હતો એટલે કે બીજું કોઈ નહીં પરંતુ શહેનશાહ હુમાયુ હતો અને મિર્જા એનો સેનાપતિ હતો અને બધા લોકોએ એને હુમાયુને હેમખેમ જોઈને એના સૈનિકો જોરથી એનો જય જયકાર કરે છે। તો આપણે આ પાઠ એટલા સુધી જોયો, તો હવે આગળથી જોઈશું પાના નંબર 61 જોઈએ કે શબ્દ સુનતે હી પ્રસન્નતા કે ચિત્કાર ચિત્કાર ધ્વનિ વ પ્રાંત ગુજ ઉઠા। जेवो जो पेलो कहे छे एकाएक झोपड़ी से निकल कर उस पथिक ने कहा मिर्जा में यहा, जेवो जो हुमायूं बोले छे कि मिर्जा हूँ अहीं छूं, तो एनो अवाज सांभळीने ज ए प्रांत आखो गूंजी उठे छे, एटले केटला बधा सैकड़ो अश्वारोहीओ हुमायूंनो जय जयकार करवा लागे छे। મમતા અધિક ભયભીત હતી, હવે પેલાના નામનો જય જયકાર કરવા લાગ્યો એટલે મમતા વધારે ડરી ગઈ કે મેં આ વ્યક્તિને તો ખોટો આશરો આપ્યો છે। पथिक ने कहा वह स्त्री कहा है उसे खोज निकाल। अब पेला पथिके जे झूपड़ी में जे स्त्री एने आसरो आप्यो तो मतलब के મમતા एने आसरो आप्यो तो एटले हवे पेला पथिके एने कि हुमायूए कह्युं के पेली स्त्री ने शोधी काढो, एटले મમતા हवे बधा डरी गई कि मने शा माटे शोधवा मांगे छे, मने क्या के एमनी साथे लई जशे तो मारी साथे कंई खराब वर्तन करशे, तो एटले મમતા हवे वधु डरी गई हती। મમતા છીપને કે લીએ અધિક સચેષ્ટ હોય, હવે મમતા સંતાવવા માટે વધારે સચેષ્ટ થઈ ગઈ। વહ મૃગદા મે ચલી ગઈ, મૃગદા એટલે કે હરણોને રહેવાની જગ્યા જ્યાં બીજા કોઈ જંગલી પ્રાણીઓ ના હોય, માત્ર હરણ જ રહેતા હોય, એટલે હવે જ્યાં હરણ કોઈ માણસને નુકસાન પહોંચાડે નહીં, એટલે મમતા પણ જ્યાં હરણ રહેતા હતા એવી જગ્યાએ ચાલી જાય છે, એટલે કે ઝાડીઓમાં ચાલી જાય છે કે જ્યાં તેને કોઈ શોધી શકે નહીં। दिनभर उसने उसमें से न निकली, आखो दिवस सुधी ज्या सुधी सैनिकों ने गुंता रहा त्या सुधी મમતાએ झूपड़ी में थी ये झाड़ी में थी निकली नहीं। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे, संध्या नो समय थयो, सवार ना आवेला सैनिकों सांजनी संध्या सुधी ए स्त्री ने एटले के મમતા ने सूतता हता, केम के हुमायूए ए झूंपड़ी में रात रही थी, एटले के हुमायूए મમતા साथे कई खराब वर्तन करवा नतो मांगतो, पण મમતાએ एने आसरो आप्यो हतो एटले મમતા ने कई आपवा मांगतो हतो, इनाम स्वरूपे कई भेट आपवा मांगतो हतो, केम के મમતાએ एने संकट समय एनी जान बचाई हती आसरो आपीने, एटला माटे एने शोधतो हतो, परंतु મમતા डरी गई हती कि आ क्यांक मारी साथे खराब करे नहीं, એટલે મમતા સંતાઈ જાય છે, પણ આના સૈનિકો છે એક સંધ્યાના સમય સુધી શોધે છે છતાં મમતા મળતી નથી, એટલે હવે એ લોકો જવા નીકળે છે। મમતાને સુના પતિ ઘોડે પર સવાર હોતે હુએ કહ રહા થા મિર્જા ઉસ સ્ત્રી કો મેં કુછ ન દે સકા ઉસકા ઘર બનવા દે। હવે જ્યારે મમતા ત્યાં રૂપદાવમાં રહીને જોઈને સાંભળી રહી હતી કે પતિ કે लेकिन हुमायूए एना सेनापति ने कहू के मिर्जा स्त्री माटे हूँ कई न करी शकु, बस आनी जे झूंपड़ी छे झूंपड़ी में मैं आसरो लीधो छे माटे एनी आ झूंपड़ी ने एक सारू एवं घर बनावी आपजे, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया, केम के मैं मुश्किली ना समय आ झूंपड़ी में मारो जीव बचाव्यो हतो, एटले तू आ झूंपड़ी ने एक सारू घर बनावी देजे, ए स्थान भूलना मत। हुमायूं मिर्जा ने कहे कि तू आ जगह क्यारे भूलतो नहीं। इसके बाद वे वहां से चले गए, ए पछी ए लोग त्यांथी ज
चाल्या जाय छे। हवे घणा वर्षो बीती जाय छे। चौसा के मुगल पठान युग को बहुत दिन बीत गए। चौसा नु जे युद्ध थयु हतु मुगलों अने पठानों नी वच्चे, मुगल एटले के हुमायूं अने पठान एटले के शेरशाह, तो आ बन्ने नी वच्चे जे युद्ध थयु हतु एनो घणो बधो समय बीती गयो, घणा बधा वर्षो बीती गया। ममता हवे 17 वर्ष की वृद्धा है। ममता हवे केटला वर्ष की? 17 यानि कि 70। हवे नानी उमर की यंग थी, युवा नहीं त्यारे ये युद्ध थयु तो हवे ममता 70 वर्ष की एक वृद्ध थई गई छे। एक दिन वह अपनी झूंपड़ी में पड़ी थी, शीतकाल का प्रभाव था। हवे 70 वर्ष की उम्र है, हवे ममता के शरीर में बीमारी आ गई थी तो एनी झूंपड़ी में पथारी में पड़ी थी। शीतकाल यानी कि ठंडी यानी कि शियाल, तो शियाल ऋतु थी एट के ठंडी थी। उसका जीर्ण कंकाल जीर्ण थी गयेलू, जीर्ण लच चामी लची पड़ेलू कंकाल एट के शरीर खांसी से गूंज रहा था, एट के जोर जोर थी खांसी आ रही थी, एनु शरीर आखो ध्रुजी रही थी। ममता की सेवा के लिए गाँव की 2-3 स्त्रियाँ घेर कर बैठी थी। वे ममता मरण पथारीए पड़ी थी एट ममता की सेवा माटे एनी गामनी 2-3 स्त्रीओ एने घेरीने बैठी थी। क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सब मांगी रही थी। हवे स्त्रीओ ममता ने वृद्ध अवस्था में एनी सेवा करवा माटे त्यार थी, केम के ममताए युवा नहीं आजीवन एने बधा लोकोनी एनी सेवा करी थी ममताए, तो एटला माटे स्त्रीओ आजे ममता ने मरण पथारी वक्ते ममता ने सेवा करवा माटे त्यां बैठी थी। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पीला। हवे ममताए पेली एनी आजूबाजू में 3 एक स्त्रीओ बैठी थी, एमने कहूं कि मने तरस लागी छे, तो सीपी एटले हुं माटी की कुल्हाड़ी जेवुं वासण आवतुं जेमां पहेला माटीना वासणनो ज उपयोग थतो हतो, तो माटीना वासणथी एम के पाणी पावे छे ममता ने पेली स्त्री पाणी पावे छे। सहसा एक अश्वारोही उस झूंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। अचानक अश्वारोही मतलब के घोड़ा पर बैठेलो व्यक्ति ए झूंपड़ीना दरवाजा उपर जोवा मळ्यो, एटले के ममता ए व्यक्ति ने जुए छे, एक सैनिक ने जुए छे। वह अपनी धुन में कहने लगा, ए सैनिक पोतानी धुन में बोलवा लागा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। ए सैनिक पोतानी धुन में जेटलो एटलो बोलवा लाग्यो कि मिर्जाए आपणने जे चित्र बनावीने आप्युं छे, बीजा सैनिक ने कही रह्यो छे कि मिर्जाए जे चित्र बनावीने आप्युं छे आ जग्यानुं ज होवुं जोईए एवुं लागी रह्यो छे। वह बुढ़िया मर गई कि जे स्त्रीए एम के हुमायूने आश्रो आप्यो हतो ए तो अत्यार सुधी वृद्ध थई गई हशे, ने बुढ़िया घड़ी डोसी हवे मरी गई हशे। अब किससे पूछूं कि एक दिन सहसा हुमायूं की सप्पर के नीचे बैठे थे, कि हवे कोने पूछूं कि एक दिवस सहसा हुमायूं की सप्पर छप्पर एटले के छत कई छत नी नीचे आराम कर्यो हतो, ए बुढ़िया तो मरी गई छे, तो हवे आपणने कोण बतावशे कि हुमायूं कई झूंपड़ी में आराम कर्यो हतो। यह घटना भी तो 47 वर्ष के ऊपर की हुई। ये सैनिक बोले जतो है कि आ घटना पर घटना ने बने पर 47 वर्ष ऊपर थई गया, के 47 वर्ष ऊपर थई गई ले स्त्री पण हवे वृद्ध थई गई हशे ने मरी गई हशे, तो आपणा ने कौन बतावशे कि आ कई जग्या छे। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। विकल मतलब कि आपणे जेम उम्र थती जाय छे एम आपणी आँखोनी रोशनी ओछी थती जाय छे, कानमां बेरास आवती जाय छे, शरीर पण जीर्ण थतुं जाय छे, तो મમતાના કાનમાં પણ બેરાસ આવી ગઈ, છતાં પણ એને એવા કાનોથી પણ પેલા સૈનિકની વાત સાંભળી। ઉસને પાસ કી સ્ત્રી સે કહા ઉસે બુલાવો, મમતાએ પેલાની વાત સાંભળી અને મમતાએ એની બાજુમાં બેઠેલી સ્ત્રીને કહ્યું છે કે પેલા સૈનિકને મારી પાસે बोला। अश्वारोही पास आया, वे घोड़े सवारी ममता नी पासे आवे छे। ममता ने रुक रुक कर कहा, केम के हवे घड़ी थई गई हती एटले धारे बी रीते बोली शके नहीं, एटले रोकाई रोकाई ने बोले छे, मैं नहीं जानती के वह सहनसा था या साधारण मुगल, पर एक दिवस झूंपड़ी के नीचे पर रहा था। ममता शू कहे छे के हूँ नहीं जानती के सहनसा तो
शहंशाह हुमायूं हतो के साधारण मुगल हतो पण मुगल हतो एटले खबर छे अने एक दिवस आ मारी झूंपड़ी नी नीचे रह्यो हतो एटले के एक दिवस एने मारी आ झूंपड़ी में आराम कर्यो हतो। मैंने सुना था कि वह मेरे मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैंने सांभ्यु हतो के एनी एना एक माणस ने मारू घर बनावानी आज्ञा आपी हती कि मैं आ झूंपड़ी में आराम कर्यो छे माटे तू आ स्त्रीनुं घर बनावी देजे। एवं एक दिवस ये व्यक्ति एना सेनापति ने कहू हतु। भगवान ने सुन लिया आज मैं इसे छोड़ जाती हूँ। भगवान ने सांभी लीधु कि आज हूँ आ घर छोड़ी ने चाली जाइ चाली एम के जवानी छो हवे तमे आ मारी झूंपड़ी नु तमारे जे बनावो हो बनावी सको छो। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। શું કહે છે કે હવે તમે આ ઝૂંપડીનું એવું નાનું મકાન બનાવો કે મોટો મહેલ બનાવો હું મારા ચીર વિશ્રામ ગૃહમાં। ચીર વિશ્રામ ગૃહમાં મતલબ કે શરીરમાંથી શરીર છોડીને હું ચાલી જઉં છું એટલે કે હવે હું ભગવાનના ઘરે જઈ રહી છું મારો દેહ મૃત્યુ પામવાનો છે એવું એ પેલા સૈનિકની સામે હજુ એ બોલી જ રહી છે। બુઢિયા કે પ્રાણ પખેર ઉડ ગયે બસ વારથી અવાક ખડા રહ્યા। હજુ તો મમતા આટલું બોલે જ છે કે હું હવે આ દેહ છોડીને ચાલી જઈ રહી છું એટલામાં તો એ બુઢિયા મતલબ કે મમતાના પ્રાણ ઉડી જાય છે એટલે કે મૃત્યુ પામે છે અને એ અશ્વારોહી અવાક થઈને જોઈ રહે છે કે હજુ તો આ સ્ત્રી મને બોલી રહી છે એટલામાં તો એ બુઢિયા મરીએ ગઈ એટલે જોઈ જ રહે છે। પછી મમતાના મૃત્યુ પછી એ ઝૂંપડી ખાલી થઈ જાય છે ત્યાં રહેવા વાળું કોઈ હોતું નથી એટલે वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। त्या हुमायूं नाम थी हुमायूं एक दिवसे एक दिवस झूंपड़ी में आराम कर्यो तो एटले त्या एक अष्टकोण मंदिर अष्टकोण अष्ट एटले आठ ने कोण एटले खूणा आठ खूणा वालू एक मंदिर बनावामां आवे छे अने एना उपर शिलालेख लगाववामां आवे छे। शिलालेख शिला एटले पत्थर थी लगाववामां आवेला पत्थर उपर लेख लखवामां आवे एने शिलालेख कहेवाय। तो ये पत्थर उपर लेख लखवामां आवे छे आठ खूणावाळुं मंदिर बनाववामां आवे छे अने ए पत्थर उपर एक लेख लखवामां आवे छे। सातो देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। सातो देशों के नरेश केम कहे छे के जेने साते देश जीती लीधा होय एवो महान व्यक्ति होय एने सातो देशोनो नरेश मतलब के राजा कहेवामां आवे छे। तो के सातो देशोना नरेश हुमायूं एक दिन यहाँ विश्राम किया था एटले के सातो देशोना राजा हुमायूं एक दिवस आ झूंपड़ी में के विश्राम कर्यो हतो। उनके पुत्र अकबर ने एमना दीकरा अकबरे उनकी स्मृति में स्मृति मतलब याद एमनी याद में विशाल एटले के मोटू गगनचुंबी गगनचुंबी एटले के आकाश ने स्पर्श करी शकाय एटलू ऊंचू मंदिर बनवाया पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। परंतु एमा ममतानो क्याय नाम हतुं नहीं। शुं कह्युं छे के त्यां अष्टकोण मंदिर बनाववामां आवे छे अने त्यां मोटो मोटा अक्षरे शिलालेख लखवामां आवे छे पत्थर उपर लखवामां आवे छे के सातो देशोना राजा एवा हुमायूं एक दिवस आ जग्या उपर आराम कर्यो हतो अने एमना पुत्र अकबरे एमनी यादमां अष्टकोण मंदिर बंधाव्युं छे परंतु क्या है ममतानु नाम हतु नहीं। आश्रम आश्रय अपनारी स्त्री ममता हती झूंपड़ी ममतानी हती जग्या ममतानी हती छतां मंदिर बनावामां आव्युं तो हुमायूंना नामनुं अने कोने बनाव्युं तो अकबर परंतु जेने जग्या आपी हती जेनी जग्या हती जेने आश्रय आप्यो हतो जेने हुमायूंने बचाव्यो हतो ए स्त्रीनुं नाम ए मंदिर पर क्या हतु नहीं। એટલે કે અત્યારે એ સમય પણ લોકો એટલા સ્વાર્થી હતા કે માત્ર પોતાનો જ વિચાર કરતા પોતાનો જ પ્રચાર કરવા માંગતા બીજાએ કોના માટે શું કર્યું છે એ ક્યારેય યાદ રાખવા માંગતા ન હતા। જો મમતા એ દિવસે વ્યક્તિને આશ્રય ના આપ્યો હોત તો કદાચ હુમાયુ બચી શકત નહીં। પણ છતાં એમને એની કિંમત ના કરી કે મમતાએ આશ્રય આપ્યો છે તો એ બચી એ હુમાયુ બચી ગયા છે તો એનું પણ નામ હોવું જોઈએ। તો આ પાઠ પરથી આપણને એ શીખવા મળે છે કે જીવનમાં ક્યારે કોઈએ નાની મોટી આપણને મદદ કરી હોય અને એ મદદથી આપણે આગળ પહોંચ્યા હોઈએ તો આપણે ક્યારે વ્યક્તિનો અહેસાસ અહેસાન ક્યારે ન ભૂલવું જોઈએ હંમેશા યાદ રાખવું જોઈએ કે જ્યારે પણ જે સ્થાન પર હું છું
એ વ્યક્તિના કારણે છું, ક્યારે એવું અભિમાન ના હોવું જોઈએ કે જ્યાં હું છું એ મારી જાત ઉપર જ છું. કોઈએ પણ આપણાને થોડી તો મદદ કરી હોય ત્યારે જ આપણે એટલા સુધી પહોંચ્યા હોય, માત્ર આપણી જ મદદથી આપણે ક્યાંય પહોંચી શકતા નથી. એટલે ગમે ત્યાં પહોંચવામાં પણ આપણને કોઈની તો મદદ મળી જ હોય, પરિવાર હોય, માતા પિતા હોય, શિક્ષક હોય કે કોઈ પણ મિત્ર હોય કે બીજું કોઈ પણ. તો ક્યારે આપણને એ વાતનું ગર્વ હોવો જોઈએ, ક્યારે અભિમાન આપણી જાત ઉપર ના હોવું જોઈએ કે બધું મેં જ કર્યું. એટલે કોઈ વ્યક્તિનો ક્યારે અહેસાન ચૂકવો, એમ કે ભૂલી ના જવું જોઈએ કોઈ વ્યક્તિને કે એને આપણને મદદ કરી છે. તો આ પાઠ પરથી આપણને એ શીખવા મળે છે કે ક્યારે પણ કોઈ આપણને નાનામાં નાની મદદ કરી હોય તો પણ યાદ રાખીને ભવિષ્યમાં ક્યારે એને આપણી જરૂર હોય તો આપણે પણ એની મદદ કરવી જોઈએ. તો આપણો આ પાઠ અહીં પૂરો થાય છે. જય હિન્દ, જય ભારત.